तो वहीं महाराष्ट्र बीजेपी ने शिवसेना के राष्ट्रवाद को ही फर्जी बता दिया है। शिवसेना के सामने तीन सवाल महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से रखे गए हैं। पहला सवाल ये रखा गया है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद को मातोश्री क्यों बुलाया था। दूसरा सवाल रखा है कि राहत फतेह अली खान के कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे क्यों पहुंचे थे। और तीसरा सवाल ये पूछा गया है कि मुंबई ब्लास्ट के आरोपी संजय दत्त का समर्थन क्यों किया था। शिवसेना के कड़े विरोध के बाद भी कसूरी की किताब लॉन्च हुई तो शिवसेना के तेवर और भी तल्ख हो गए। कसूरी को मुंबई में फडणवीस सरकार ने सुरक्षा दी तो उद्धव नाराज हो गए। सूत्रों की माने तो वो सरकार से अलग होने का मन बना रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उन छह लोगों को सम्मानित करके बीजेपी तक बड़ा संदेश पहुंचा दिया जिन्होंने सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर काली स्याही पोती थी। शिवसेना का मूड आर पार का दिख रहा है, हालांकि ये बात उनकी जुबान पर अभी चढ़ी रही है। इस्तीफा देने का मन हम क्यों बनाए? हम तो प्रखर राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, देश के अभिमानी ऐसे लोग हैं। अगर इस्तीफा किसी को देना है हमारे वजह से तो ये लोग दीजिए, सरकार दोनों की है। कि जिन लोग ने कहा है वो उनको शायद हमारे मुख्यमंत्री और हमारे नेतृत्व के बारे में कोई समझ नहीं है। इनका अंतर्कलह एक बहुत बुरी तरह से बढ़ गया है, दोनों के बीच असहमति हर मुद्दे पे है। इससे पहले शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। इसमें लिखा गया कि पाकिस्तान की सुरक्षा को लेकर शिवसेना को मुंबई में बुलाना बाकी रह गया था। कौन है ये कसूरी? कसूरी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहते हुए अलगाववादियों को भारत के खिलाफ संगठित होने की सलाह दी थी। सामना ने ये भी लिखा कि कसूरी कुलकर्णी के लिए आप राष्ट्रभक्तों पर डंडे चलाते हैं, फडणवीस को सावधान रहना चाहिए और पाकिस्तानी एजेंटों का बंदोबस्त करना चाहिए, वरना इस तरह के राष्ट्रहित के काम के लिए शिवसेना तो प्रतिबद्ध है ही। बीजेपी शिवसेना के बीच खटपट का असर महानगर पालिका चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया है। शिवसेना अकेले 122 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 1 नवंबर को यहां चुनाव होना है। राजेश कुमार के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज।